40 साल के करियर में बॉलीवुड की बेहतरीन अदाकारा और एवरग्रीन एक्ट्रेस रेखा ने 180 से ज़्यादा फिल्मों में अपनी दमदार एक्टिंग से लोगों के दिलों पर राज किया। रेखा 69 साल की उम्र में भी 40 साल की ही लगती हैं, लेकिन रेखा हमेशा से इतनी खूबसूरत नहीं थी। अपनी फिल्मों की सफलता के बावजूद अपने करियर के शुरुआती दौर में उन्हें अक्सर उनके लुक के कारण नज़रअंदाज किया जाता था। यहाँ तक कि रेखा को मोटी और भद्दी भी कहा जाता था। एक ऐसी अभिनेत्री जिनकी फिल्मों में एंट्री काफ़ी शानदार नहीं रही, इस अभिनेत्री को अपने आप को साबित करने के लिए लंबा वक्त लगा, लेकिन इस अभिनेत्री ने वो कर दिखाया जो आज तक कोई और अभिनेत्री नहीं कर पाई हैं। नमस्कार, मैं हूँ संध्या चौधरी और आज हम बात करने वाले हैं बॉलीवुड की हसीन अभिनेत्री रेखा की, जो आज भी उतनी ही खूबसूरत हैं मानो 40 साल की हों। उनकी खूबसूरती और उनके अभिनय ने लोगों पर ऐसा जादू किया कि पूरी दुनिया उनकी फैन हो गई। रेखा को साउथ इंडस्ट्री में काम पाने के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ी। सच्चाई ये थी कि वो जैमिनी गणेशन की बेटी थी। पिता का साया उन पर होता तो फिल्मों में काम आसानी से मिल जाता। जैमिनी सिर्फ एक्टर ही नहीं बल्कि बिजनेसमैन भी थे। इंडस्ट्री में उनका रुतबा बहुत था, उनके एक इशारे पर सारी चीज़ें हो जाती थी। वहीं जैमिनी सरनेम का इस्तेमाल करना भी रेखा के लिए सिर्फ मुसीबत था। कई प्रोड्यूसर डायरेक्टर जैमिनी के डर से उन्हें फिल्म ऑफर नहीं कर रहे थे। दूसरी तरफ रेखा अपने लुक की वजह से भी रिजेक्शन झेल रही थी। उनका सांवला रंग, ज़्यादा वजन और टॉम बॉय लुक भी काम पाने में रुकावट बन जाता था। रेखा की माँ चाहती थी कि उनकी बेटी एक बड़ा सितारा बने, हिंदी सिनेमा के आसमान पर वो चमके, लेकिन रेखा उस वक्त अपने शरीर और अपने रंग के चलते काफ़ी तिरस्कार झेल चुकी थी। लेकिन उसके बाद रेखा ने लोगों की नेगेटिव बातों को भी पॉजिटिवली लेना शुरू कर दिया और उन्होंने खुद पर काम किया। ऐसा काम किया कि जब वो पर्दे पर एक बार फिर नजर आई तो लोग हैरान रह गए। हालांकि कुछ समय बाद रेखा को फिल्मों में छोटे मोटे रोल मिलने लगे थे, लेकिन माँ का सपना था कि रेखा अपने पिता के जैसे फिल्मी पर्दे पर राज करे। इसी उथल पुथल के बीच फिल्म डायरेक्टर और प्रोड्यूसर कुलजीत पाल मसीहा बनकर आए। अपने फिल्म दो शिकारी के लिए उन्हें एक नए चेहरे की तलाश थी। उसी खोज में वो मद्रास आए थे। यहाँ पर एक फिल्म के सेट पर उनकी नज़र रेखा पर पड़ी। रेखा के नए नक्श उन्हें काफ़ी पसंद आए। अगले दिन वो रेखा के घर पहुँचे और फिल्म का ऑफर दे दिया। पुष्पावली ने इस ऑफर पर बिना सोचे समझे ही सहमति जता दी और रेखा को लेकर सपनों की नगरी मुंबई आ गई। रेखा के लिए शहर किसी जंगल की तरह था। उनका यहाँ दम घुटता था। जब वो बॉलीवुड इंडस्ट्री में आई तो यहाँ लोग उनके दबे रंग का मजाक बनाते थे। उस दौर की टॉप एक्ट्रेसेस से उनका कंपैरिजन किया जाता था। लोगों का कहना था कि क्या ये एक्ट्रेस बनेंगी। हालांकि बाद में रेखा ने इन बातों को पॉजिटिव तरीके से लिया और खुद पर काम करना शुरू कर दिया। रेखा ने अपनी ड्रेस सेंस, मेकअप और वेट कम करने पर ध्यान देना शुरू किया और 3 महीने तक हिंदी बोलने पर काम किया। रेखा ने छरहरी काया पाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की। तकरीबन 2.5 सालों की कड़ी मेहनत के बाद जो नतीजा निकला उसने सबको हैरान और परेशान कर दिया। सबको लग रहा था कि आखिर ये कैसा चमत्कार हो गया, लेकिन वो रेखा की मेहनत का नतीजा था। वहीं अपने वजन को लेकर भी रेखा को काफ़ी ताने दिए गए। दरअसल सिमी ग्रेवाल को दिए एक इंटरव्यू में रेखा ने खुलासा किया था कि उनके वजन की वजह से उन्हें फिल्म इंडस्ट्री में अपने पांव जमाने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। एक्ट्रेस ने बताया था कि इसके बाद उन्होंने अपने लुक्स पर काम करने का फैसला लिया और उसके चलते उन्होंने गलत तरीका तक अपना लिया था। रेखा ने बताया कि अपने लुक्स को निखारने के लिए वो महीनों तक इलायची दूध और पॉपकॉर्न डाइट पर रहती थी। उन्होंने कहा कि वो परफेक्ट बॉडी पाने की चाह में भूखी रहती थी। रेखा ने इंटरव्यू में आगे खुलासा किया कि वास्तव में जंक फूड और चॉकलेट से छुटकारा पाने में उन्हें तकरीबन 2.5 साल लग गए थे, क्योंकि ये उनके फेवरेट थे। रेखा ने बताया कि साल 1978 में फिल्म घर रिलीज हुई, तब तक लोगों को उनकी बदली काया देखकर लगा कि ये सब रातों रात हुआ है, लेकिन ये रातों रात नहीं हुआ था।
इसमें रेखा को तकरीबन 2.5 साल का लंबा वक्त लगा था। रेखा ने अपने शरीर को तो संतुलित किया ही, साथ ही साथ उन्होंने अपने हर अंदाज को बदल दिया और उनका ये अंदाज फिल्मी पर्दे पर जब छाया तो लोग देखते रह गए।